हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें दो चीज़ों को पहले समझना होगा, और ये दो चीज़ें ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों आपको याद रहती हैं तो आपको आसानी से पूरी स्ट्रक्चर याद रह सकती है। तो ये दो चीज़ें हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है जो कंटिन्यूअस टेंस में, वो होती हैं बी की फॉर्म। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म हमारी होती है इज, एम और आर। पास्ट फॉर्म हमारी बी की होती है वाज, वर। और मेन वर्ब हमारी जो यूज होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। पास्ट और फ्यूचर, अब कई बार ये दिक्कत आ जाती है बच्चों को कि स्ट्रक्चर याद करने में उन्हें ये नहीं पता रहता कि कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब कैसे लगती है। ये बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ इन दो चीज़ों का ध्यान रखिए, आप सब काम कर पाएंगे। अब देखिए, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका काम होता है ये बताना कि मेरा पर्टिकुलर टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब जो मेरी प्रेजेंट की फॉर्म है उसको मैं प्रेजेंट में ही यूज़ करूँगा। देखिए, प्रेजेंट की फॉर्म मेरी क्या थी, इज एम आर, तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट के अंदर इज एम आर। पास्ट की फॉर्म क्या थी, वाज वर, तो मैंने वाज वर को लिख दिया। और फ्यूचर, विल और शैल के बगैर फ्यूचर बनता ही नहीं, तो विल शैल तो लगेगा ही लगेगा। और फॉर्म मेरी हेल्पिंग वर्ब किसकी लग रही है, बी की फॉर्म, तो बी ही लगेगा, तो विल बी और शैल बी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेरी मेन वर्ब क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो सभी के साथ लगेगी। यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ है जी। अब इज मेरा यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, जो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एम मेरा यूज़ होता है आई के साथ। आर मेरा यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वाज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और शैल हमेशा यूज़ होता है हमारा आई और वी के साथ, और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट बच गए सबके साथ विल भी लगेगा। इट मीन्स फॉर रेस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, बाकी सारे एक्सेप्ट आई एंड वी। और सबके साथ एक ही वर्ब की फॉर्म लगती है एक ही तरीके से, क्योंकि मेन वर्ब का काम होता है कि टाइप ऑफ टेंस बताना। अब मेरा टेंस कौन सा है यहाँ पर, कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने देखा कि सेंटेंस फॉर्मेशन में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे ही अपना सेंटेंस बनाते हैं। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, बाय नेम इटसेल्फ हेल्पिंग द वर्ब, इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब। तो कहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के से पहले ही आएगी, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेरी वर्ब को हेल्प करेगी ये बताने में कि जो ये सेंटेंस बनेगा ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्योंकि मेन वर्ब हर बार क्या बताएगी कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से वाला, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला, कौन बताएगी, हेल्पिंग वर्ब बताएगी, ये हेल्प करेगी। कैसे, देखिए, अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। इसमें सिंपल सेंटेंस लेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए, हम ही को ले सकते हैं, ही शी फीमेल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, या किसी का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए राकेश, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसी एक सब्जेक्ट को लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए। उसके बाद अब मेरी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब मेरी इज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और टेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है,
तो प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मेन वर्ब सब में एक लगेगी। सिंपल वर्ब लीजिए, जैसे हम ले लें प्ले, इज प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए अब मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, अब मैं लेता हूँ आई को, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट ले लूँ, दे ले लूँ, या फिर मैं फ्रेंड्स कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ प्लूरल का, अब क्या लगेगा प्लूरल के साथ, आर लगेगा। देखिए अब आगे मेन वर्ब सेम, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग या फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, कोई चेंज हुआ, देर इज नो चेंज इन द मेन वर्ब, मेन वर्ब इज सेम, ओनली चेंज इन हेल्पिंग वर्ब हियर एज पर द सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसी पर्टिकुलर मैं सेंटेंसेस का केस लूँ और मैं इनको कन्वर्ट करूँ पास्ट कंटिन्यूस में, ये सारे मेरे किसके हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस के एग्जांपल हो गए सारे के सारे। अब इन्हीं को अगर मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना तो क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो मैं किसको चेंज करूँगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करूँगा मैं। देखिए कैसे, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने हटा दी और इसको प्रेजेंट से मैं करूंगा पास्ट, तो मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा वाज, अब मैं इसकी जगह लिखूंगा वाज, पूरा सेंटेंस यूं का यूं। प्लूरल के साथ क्या लिखूंगा, वर, बाकी आगे नो चेंज, सेम वर्ब। तो मेरे किसके सेंटेंस बन गए, अब ये बन गए मेरे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस बन गए मेरे। अब मुझे कन्वर्ट करना है इनको फ्यूचर कंटिन्यूस में, कि इनको मैं फ्यूचर का बनाऊं, फिर से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस देखते हैं। अब सब्जेक्ट मेरा अब चलेगा शेल के साथ आई वी, जहां पर मैंने आई लिख दिया और जहां पर मैंने इसके साथ अगर मैं वी लिखता हूँ, अब इन दोनों के लिए तो मेरा सब्जेक्ट क्या चलेगा, यहाँ पर अगर मैं दोनों के लिए लूँ तो मेरा सब्जेक्ट होगा शैल बी, और बाकी रेस्ट ऑल ऑफ विल बी, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है डजेंट मैटर, विल बी सब के साथ विल बी, और आगे सेम फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी। तो इस तरीके से फ्यूचर के सेंटेंस बन जाते हैं। अब अगर आप ओवरऑल पूरा का पूरा देखें तो आपको अगर कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर याद रखनी है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वो दो चीज़ें क्या होंगी, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो मुझे बी की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, दूसरा मुझे इसके साथ मेन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के सेंटेंस बना सकते हैं। आपको अपने आप याद रहेगा कि मुझे बी की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, प्रेजेंट की लेनी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनेंगे, पास्ट वाली लेनी है तो पास्ट कंटिन्यूस के बनेंगे, और विल शैल के साथ बी यूं का यूं लगा दूं तो मेरे फ्यूचर के बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारा होता है कंटिन्यूस टेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर का पार्ट पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसका यूज़ कैसे करना है। ये तो मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस बनाया है, और सिंपल सेंटेंसेस के अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारी सेंस क्या होती है टेंस की, कि ये यूज़ किस लिए होता है। जैसे मैं आपको नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ तो कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है कि उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि हो रही हों हमारे सामने, ठीक है, द एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन, बट इससे बियॉन्ड भी हम इनका यूज़ करते हैं, उसके बारे में नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।